नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा काम है लोगों को इंश्योर करना और उन्हें इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा देकर उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना, और इसके लिए मैं हर उम्र के लोगों से मिलता जुलता रहता हूं। और जब कभी मैं यंग लोगों से मिलता हूं तो अक्सर एक ऑब्जेक्शन मेरे सामने आती है कि अभी तो मैंने अपना घर ही नहीं बसाया है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो अभी से इंश्योरेंस क्यों। यह ऑब्जेक्शन अक्सर वे लड़के करते हैं जिनकी नौकरी तो लग गई है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें भी समझाऊं और उन्हें भी आर्थिक सुरक्षा दूं। तो ऐसे युवाओं को मैं कहता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूं कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अभी से ये बचत और बीमा क्यों। लेकिन मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा कि अगर बीमा का सही लाभ उठाना है तो तुमको अभी से ही सोचना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का सिद्धांत है कि यदि हम लंबे पीरियड की पॉलिसी करवाते हैं तो हमें ज्यादा इंश्योरेंस मिलता है, ज्यादा बोनस रेट लगता है और प्रीमियम कम जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम कम टाइम की पॉलिसी लेते हैं तो हमें कम इंश्योरेंस वैल्यू मिलती है और बोनस का रेट भी हमारा कम लगता है और प्रीमियम इसके उल्टे ज्यादा जाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि इंश्योरेंस तो लंबी अवधि की ही बात है, इसलिए अभी सही समय है, अभी आपकी जरूरत काफी दूर है, तो तुम्हें अभी से ही इंश्योरेंस कराना चाहिए। मान लो तुम 5 साल के बाद शादी करते हो और तब 5 साल के बाद तुम पॉलिसी चालू करते हो, तो जाहिर है कि तुम्हारी उम्र भी उसमें 5 साल ज्यादा हो जाएगी और इसके कारण तुम्हारा प्रीमियम का रेट भी बढ़ जाएगा और मिलने वाली रकम भी कम हो जाएगी। इसलिए इंश्योरेंस में तो एक एक दिन का महत्व होता है। जब तुम्हारी शादी होगी पहले से पॉलिसी चलती रहेगी और हनीमून के लिए तुम्हें मनी बैक का पैसे भी मिल जाएंगे, उसके लिए तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, LIC के पैसे से ही तुम्हारा हनीमून भी हो जाएगा। और मान लो शादी के 1-2 साल बाद बच्चा भी होगा तो पुरानी पॉलिसी होगी तो उसके एडमिशन वगैरह के पैसों के लिए भी तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, उसके लिए भी तुम्हें मनी बैक मिल जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं और मैं उन्हें एक सवाल करता हूं कि अच्छा बताओ कि तुम धरती पर स्वयं आए हो या तुम्हें किसी ने जन्म दिया है। जाहिर है कि माँ बाप ने जन्म दिया है। माँ बाप ने तुमको जन्म दिया, कष्ट सहकर भी तुमको पाला, माँ ने अपनी ममता के आंचल में तुमको रखा, धूप छांव से तुमको बचाया, शायद भूखे रहकर भी तुमको खिलाया, बाप ने उंगली पकड़कर तुमको चलना सिखाया। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम पर खर्च भी बढ़ता गया और वह सारे खर्च सहते गए। शायद पता नहीं अपने कितने शौकों को मारकर भी उन्होंने तुमको पढ़ाया लिखा होगा। शायद उनकी आंखों में भी तुम्हारे लिए कुछ सपने होंगे, उनके दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ चाहत होगी। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पर कभी भी ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जो अपने माँ बाप के कर्ज को उतार सके? शायद अब तक नहीं लिया, तुम भी नहीं उतार सकते। हाँ, उनके लिए कुछ अच्छा काम सोचकर, अलग ढंग से काम करके इस कर्ज को कुछ कम करने का प्रयास कर सकते हो। मैं फिर कहता हूं, भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा जो तुम्हारे कारण देखे हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन की कीमत इंश्योरेंस के द्वारा उन्हें दे सकते हो तो दुनिया का सबसे अच्छा काम होगा। एक बात और है, अभी तो तुम पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, खर्चे भी उठाने की जरूरत तुम्हें नहीं है, उतने खर्चे नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन आने वाले समय में जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, और इसलिए तुम्हें अभी से ही सही पॉलिसी लेकर बचत शुरू करनी चाहिए। और अब तो इंश्योरेंस में ऐसी ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं कि पहले शुरू के वर्षों में अधिक प्रीमियम दें, उसके बाद प्रीमियम की रकम या तो कम हो जाएगी या बंद ही हो जाएगी। इसलिए हर हाल में अभी इंश्योरेंस करा लेना उचित होगा। और शादी के बाद जब पत्नी आएगी तो उसे पहले दिन से ही पॉलिसी गिफ्ट कर देना। यह पॉलिसी पत्नी के लिए सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट होगी, उसे भी खुशी होगी कि मेरे पति को मेरे भविष्य की कितनी चिंता है और वह भी शुरू से ही बचत की तरफ अग्रसर होगी, तो निश्चित ही बहुत से फिजूल खर्चे भी रुक जाएंगे। इसलिए तुमको तो हर हाल में अभी ही इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए।
इस प्रकार से मित्रों हम उन लोगों को समझाकर उन्हें भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों आप भी इसी तरह से लोगों को समझाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक सुरक्षा दीजिए और उनके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी से सिक्योर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।